تغنى بالقرآن وحي السماء الرب. पेश की वो बहुत कीमती बातें हैं, वो हमारे दीनी तरक्की के लिए भी और दुनियावी तरक्की के लिए भी बहुत मुफीद हैं। इसलिए हम सब आज़्म करें, हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम बातों पर अमल करेंगे। इसलिए कि इल्म की दो किस्में, एक इल्म नाफे, वो इल्म जो नफ़ा पहुँचाने वाला, और एक इल्म गैर नाफे, वो इल्म जो नफ़ा नहीं पहुँचाता। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफे का सवाल किया और इल्म गैर नाफे से पनाह तलब की है। उलमा फरमाते हैं कि इल्म नाफे वो इल्म है जिस पर आदमी अमल करे, और इल्म गैर नाफे वो इल्म है जिस पर आदमी अमल न करे। उलमा इकराम उसकी मिसाल देते हैं जैसे एक बोतल है और उस बोतल के अंदर एक टॉनिक रखी हुई है। आप जानते हैं कि इसमें जो टॉनिक है बहुत
पावरफुल है, बहुत ताकत देती है, ये आपका इल्म है। इस इल्म से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उस दवाई को देखते रहें, टॉनिक को देखते रहें, उसके फ़ायदे बयान करते रहें, आप में कुव्वत नहीं आएगी, आप में ताकत नहीं आएगी। ताकत कब आएगी? जब आप उस बोतल का ढक्कन खोलें और उसके इस्तेमाल का जो तरीका उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करें तो आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी। तो ये इल्म नाफे हुआ, आपका इल्म था कि इस बोतल में जो दवाई है, जो टॉनिक है, वो ताकत देती है, सेहत देती है। आपने उसको इस्तेमाल किया तो आपको सेहत हासिल होगी, आपको कुव्वत हासिल होगी। इसी तरह एक बोतल के अंदर जहर रखा हुआ है, कोई नुकसानदेह चीज़ रखी हुई है, आपको मालूम है कि यह जहर है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है, इसका एक कतरा भी आदमी को हलाक कर सकता है, तो ये आपका इल्म है। अब इस इल्म से फ़ायदा कब होगा? जब आप उससे परहेज करें, जब आप उससे बचें, उसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये जानते हुए कि उसमें जो चीज़ रखी हुई है वो जहर है, वो आपकी सेहत के नुकसान दे, फिर भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका इल्म गैर नाफे हुआ। आपको इल्म था ये चीज़ मुज़िर है, ये चीज़ नुकसानदेह है, ये चीज़ हानिकारक है, फिर भी आपने उसको इस्तेमाल किया, तो ये आपका इल्म नाफे नहीं। तो इसी तरीके से हमको अल्हम्दुलिल्लाह दीन के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हैं, जिनको हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए मुफीद हैं, ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा कारक हैं। तो उनसे फ़ायदा कब होगा? जब हम उन चीज़ों को इख्तियार करेंगे, जब उन चीज़ों को अपनाएंगे, उन चीज़ों पर अमल करेंगे, तो ये इल्म हमारे नाफे बने। और दीन के बारे में हमको बहुत सारी बातें मालूम है, दीन में बहुत सारी चीज़ें हराम हैं, दीन में बहुत सारी चीज़ों को ममनू करार दिया गया है, मना किया गया है, तो उनके नुकसान से उस वक्त बच सकते हैं जबकि हम उनसे परहेज करें। उलमा फरमाते हैं कि जितनी मुफीद चीज़ें थीं, इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें थी, अल्लाह पाक ने उनका हुक्म दे दिया, और जितनी चीज़ें इंसान के लिए मुज़िर थी, हानिकारक थी, नुकसानदेह थी, अल्लाह पाक ने उनसे मना कर दिया, उनको न करने का हुक्म दे दिया। अब एक इंसान ये चाहता है कि वो दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से फ़ायदा उठाए, तो उसकी सूरत यही है कि दीन के जितने अवामिर हैं, दीन के जितने अहकाम हैं, अल्लाह पाक के जितने अहकाम हैं, उन पर अमल करे, चाहे उनका फ़ायदा नज़र आए या नज़र न आए। और नुकसान से बचना चाहता है तो उसकी सूरत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना कर दिया है उन चीज़ों से बचे, उन चीज़ों से रुके। जिस कदर आदमी दीन पर अमल करेगा, दुनिया में भी फ़ायदे में रहेगा और आखिरत में भी फ़ायदे में रहेगा। जिस कदर दीन के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, उसी कदर दुनिया के एतबार से भी घाटे में रहेगा और आखिरत के एतबार से भी घाटे में रहेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी सआदत, हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान वालिदैन के घर में पैदा किया, अल्लाह पाक ने हमें इस्लामी माहौल दिया, ऐसी बस्ती में पैदा किया जिसमें दीन का काम हो रहा है, एक बहुत अच्छा मकसद चल रहा है, बहुत से उलमा सुलहा मौजूद हैं, दीन के दाई मौजूद हैं, मुबल्लिगीन मौजूद हैं, दीन का भी काम हो रहा है, दावत का भी काम हो रहा है, संस्था का भी काम हो रहा है, मदरसे की लाइन से भी काम हो रहा है। तो अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी, मेरा और आपका फरीजा है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा उठाने के लिए कॉन्टेक्ट ज़रूरी है, फ़ायदा उठा के रबता ज़रूरी है। देखिए पंखा चल रहा है, इसलिए इस पंखे का मेन स्विच से ताल्लुक है, अगर ये पंखा अपना कनेक्शन मेन स्विच से तोड़ ले या कॉन्टेक्ट लूज हो जाए तो जाहिर बात है पंखा नहीं चल सकता। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर दीन आए, हमारी जिंदगियों में दीन आए और हमारी इस्लाह हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कॉन्टेक्ट करें, या तो मदरसे से हम कॉन्टेक्ट रखें, या उलमा से कॉन्टेक्ट रखें, या जमात से कॉन्टेक्ट रखें। इसलिए कि दीन के यही तीन रास्ते आजकल चल रहे हैं, या तो आदमी मदरसे में आकर पढ़े, दीन का इल्म हासिल करे और उस पर अमल करने की कोशिश करे, या बुजुर्गों ने दीन के यहाँ जाए
खानकाह के अंदर जाए और उन वहाँ जो मशाइख हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी बातों को सुने, उन पर अमल करने की कोशिश करे। और अगर यह नहीं कर सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता फिरता मदरसा है, चलती फिरती खानकाह है जमात की, उससे जुड़े। जिस कदर हम दीन से जुड़ने की कोशिश करेंगे उसी कदर हमारे अंदर दीन आएगा। देखिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसकी ज़ात के अंदर शर मौजूद है, उसकी ज़ात के अंदर बुराई मौजूद है। बुराई पैदा करने के लिए और बुरा बनने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं। आपने कहीं देखा डाकू बनने का कोई स्कूल हो, चोर बनने का कोई स्कूल हो, जानी बनने का कोई स्कूल हो, इन चीज़ों के लिए आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब आदमी अच्छा बनने की मेहनत छोड़ देगा तो खुद बहुत बुरा बन जाए। जैसे बाप बनाना है तो आदमी को कितनी मेहनत करना पड़ती है, पहले ज़मीन को साफ करना पड़ता है, फिर उसमें पौधे लगाना पड़ते हैं, उसमें दरख्त लगाना पड़ते हैं, फल के दरख्त लगाते हैं, फूल के पौधे लगाते हैं, तब जाकर वो बाग बनता है। और फिर उसके बाद उसकी देखरेख रखना पड़ती है, उसको संभालना पड़ता है, उसकी हिफाजत करना पड़ती है, जानवर उसको खा ना जाए, बच्चे उसको तोड़ ना जाए, हर कुछ दिन के बाद उसकी सफाई करना पड़ती है, जो घास बढ़ जाती है उसको काटना पड़ता है। लेकिन एक बाग लगा हुआ है, अब उसको वीरान करना है तो वीरान करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप बनाने की जो मेहनत कर रहे थे, संवारने की जो मेहनत कर रहे थे, उसको छोड़ दीजिए तो कुछ ही दिन के अंदर वहाँ कांटे उग निकलेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ झाड़ झंकार पैदा हो जाएंगे और वहाँ वो जो बाग बना था ऐसा बन जाएगा कि आपको वहाँ दाखिल होते हुए डर लगेगा। ऐसे मकान बनाना है उसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी कोशिश करना पड़ती है, तब जाकर एक मकान तैयार होता है। और उस मकान को ठीक रखने के लिए बार बार उसकी सफाई करना पड़ती है, रंग रोगन करना पड़ता है। अगर आपने मकान बना लिया तो उसको वैसे ही छोड़ दिया, साल दो साल के अंदर वो खंडर हो जाएगा, उसके दरवाजे टूट जाएंगे, खिड़कियाँ टूट जाएंगी, प्लास्टर उखड़ जाएगा, पत्थर खराब हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसे ही बेहतरीन किस्म का खाना है आपको बनाना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी कोशिश करने के बाद अच्छा खाना बनता है। लेकिन उसी खाने को अगर बिगाड़ना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उस खाने को वैसे ही छोड़ दीजिए, दो घंटे में, चार घंटे में, आठ घंटे में वो खाना खराब हो जाए। इसी तरीके से इंसान के अंदर बुराई मौजूद है, अगर आदमी उस बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा तो इंसान खुद बहुत बुरा बन जाए। इसलिए इंसान को बाहर से कोशिश करके अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करना पड़ती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लाहु खलककुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ीदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते। इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, उसको अपने अच्छे भले की कोई तमीज नहीं होती, वो एक लफ्ज़ बोल नहीं सकता, वो एक कदम चल नहीं सकता, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती। लेकिन मेहनत करके, कोशिश करके उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा की जाती है, उसको मदरसा भेजा जाता है, स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, तब जाकर उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। तो एक बच्चा है, उसको अगर मास्टर बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, हाफिज बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है। तो दुनिया का मिजाज ऐसा है, अगर आप अच्छा बनने की मेहनत छोड़ देंगे तो खुद ब खुद आप बुरे बन जाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा बनने की जो मेहनत है वो जारी रखें ताकि हम अच्छे बन सकें। अगर हमने अच्छा बनने की मेहनत छोड़ दी तो जाहिर बात है कि हम बिगड़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर खराबियाँ पैदा होती जाएंगी। और अभी जो आपकी उम्र है ये बिल्कुल ऐसी उम्र है, इस उम्र में आप अपनी जैसी तरबियत करेंगे वैसे बन जाएंगे। अभी आप में से बहुत से तो माशाल्लाह 15 साल ही के होंगे, अभी उन्होंने बुलूग में कदम भी नहीं रखा होगा, लेकिन जब वो इसी एज से, इसी उम्र से अपने आप को बनाने की मेहनत करेंगे, अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि आप अच्छे बन जाएंगे।
अभी जो 15 साल की आपकी उम्र है, अभी तक आप स्कूल में थे, अब हाई स्कूल में थे, अब उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो बड़े हैं वहाँ आपके सामने सब नए चेहरे होंगे, 70-75 बच्चे आपके सामने होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना दोस्त किसको बनाते हैं, अपना साथी किसको बनाते हैं, ये बहुत सोच समझ कर करने का काम है। अगर आपने उन 70-80 बच्चों में से ऐसे बच्चे का इंतखाब कर लिया जिसकी आदत अच्छी नहीं है, जो पढ़ने लिखने में सुस्त है, जो बुरे अखलाक में मुलव्वस है, तो चाहे आप वो बातें ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके अंदर वो बातें पैदा हो जाएंगी। अभी जो 3 साल जो आपके हैं, आप अगर 17 साल के हैं, जो 18-19-20 साल ये आपके कैरियर को बनाने हैं, आप इन 3 सालों के अंदर अगर अपना कैरियर बना सकते हैं, मेहनत करके इल्म हासिल करते हैं, कोशिश करके इल्म हासिल करते हैं, तो आपके आइंदा के 60-70 साल बिल्कुल आराम से गुजरेंगे। लेकिन यही 3 साल जो आपके बनने के हैं, उसमें आपने मेहनत नहीं की, आपने ऐसी दोस्ती इख्तियार कर ली, ऐसे दोस्त बना लिए जिनको पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं, जिनकी आदत असवार अच्छी नहीं है, जो गलत बातों के अंदर मुलव्वस हैं, जिनकी बुरी बुरी आदतें हैं, तो वो आदतें आपके अंदर घर कर जाएंगी और आप अपना कैरियर तबाह कर जाएंगे। इसलिए आपके भी जवानी बिल्कुल उठ रही है, अभी आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, अच्छी सोहबत इख्तियार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उलमा फरमाते हैं कि इंसान की तबीयत चोर वाक़ हुई है, इंसान की तबीयत चोर वाक़ हुई है, इंसान चाहे ना चाहे वो सोहबत का असर लेती है। अगर आप कुछ दिन तक अच्छी सोहबत में रहेंगे तो आपके अंदर अच्छी आदतें आने लगेंगी, और अगर आप बुरी सोहबत में रहेंगे तो आपके अंदर वो बुरी आदतें आने लगेंगी। जिस घर के अंदर गाने सुने जाते हों, जिस घर के अंदर गालियां बोली जाती हों, उनके बच्चों को गाना सिखाना नहीं पड़ता, गालियां सिखाना नहीं पड़ती, वो खुद बहुत गालियां बोलने लगते हैं, वो खुद बहुत गाना गाने लगते हैं। और जिन घरों के अंदर माहौल अच्छा होता है, दीनी माहौल होता है, उनके बच्चों को आप देखें, उनको दुआएं याद होती हैं, उनको कलमे याद होते हैं, उनको सुन्नतें याद होती हैं, तो माहौल का असर, इंसान माहौल से मुतासिर होता है, जैसे माहौल के अंदर रहेगा वैसा असर आएगा। बल्कि हदीस शरीफ में तो ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बकरी वालों के अंदर मस्कनत होती है और घोड़े वालों के अंदर तकब्बुर होता है। जो आदमी बकरियां चराता है उसके अंदर तवाज़ो होती है, मस्कनत होती है, इसलिए कि बकरी में मस्कनत है, बकरी सर नीचा करके चलती है, एक बकरी को नहीं देखा होगा सर उठाकर चलती है, क्योंकि बकरी में मस्कनत है। तो जो आदमी बकरियां चराता है, बकरियों के साथ रहता है, उसके अंदर मस्कनत है। और जो आदमी घोड़े पालता है, घोड़ों के साथ रहता है, उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, इसलिए कि घोड़े में सरकशी होती है, घोड़ा ऐसे सर उठाकर चलता है, गर्दन उठाकर चलता है, घोड़े को कभी नहीं देखा होगा जो गर्दन झुकाकर बकरी की तरह चल रहा है। तो जब एक जानवर की सोहबत का असर इंसान के अंदर आ सकता है, तो क्या इंसान के अंदर दूसरे इंसान की सोहबत का असर नहीं है? इस लगा हम ये चाहते हैं अच्छे मुसलमान बने, हम कामयाब मुसलमान बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी सोहबत रखें, हम कुछ न कुछ वक्त दीन के लिए फारिग करें, कुछ न कुछ वक्त उलमा के पास आकर बैठें। अगर से मकतब से फारिग हो चुके हैं, लेकिन हम अगर हमारे पास 1 घंटा है, आधा घंटा है, तो मकतब में आएँ, अपने असातिज़ा से मिलें जिनसे भी आपको ताल्लुक हो, और आगे दीन की किताबें पढ़ें। माशाल्लाह उर्दू पढ़े हुए हैं, तालिबुल इस्लाम आपने पढ़ लिया है, अल्लाह के रसूल आपने पढ़ लिया है, और रसूल अरबी आपने पढ़ लिया है, उर्दू तो आपको आती है। दीन का बहुत सारा लिटरेचर उर्दू में मुंतकिल हो चुका है, अरबी के बाद फारसी दूसरे नंबर की ज़बान है, और फारसी के बाद उर्दू तीसरे नंबर की ज़बान है, जिसमें बहुत सारा इस्लाम लिटरेचर आ चुका है। जब तक हमारे पास सही इल्म नहीं होगा, जाहिर बात है हम अमल नहीं कर सकते, इसलिए हम मदरसे से अपना ताल्लुक कायम रखें, मदरसे ताल्लुक नहीं रख सकते, जमात से अपना ताल्लुक जोड़ें, हम मकामी काम में जुड़ें, रोज़ाना की जो तालीम होती है उसमें जुड़ें, हमारे घरों पर तालीम का इंतज़ाम करें, और अगर हमारे पास छुट्टी है, वक्त है, तो हम 3 दिन लगाएं, चिल्ला लगाएं, 10 दिन लगाएं, तो इस तरीके से हमारे अंदर दीन आएगा। जिस कदर हम दीन के ऊपर मेहनत करेंगे, उसी कदर हमारी दुनिया की भी तरक्की होगी। हम
किस कदर दीन से दूर चले जाएंगे, हमारी दुनिया की तरफ भी रुक जाएगी। इसलिए कि दीन आदमी को हर बुरी बात से रोकता है, दीन आदमी को हर गुनाह से रोकता है। जो आदमी दीनदार होता है उसकी सेहत अच्छी रहती है, जो आदमी बददीन होता है उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो बुरी आदतें मुलव्वस हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी फिटनेस अच्छी रहे, तो उसका रास्ता भी हम दीनदार बने। किस कदर हम दीनदार बनेंगे, हमारा वक्त महफूज रहेगा। जब आदमी बेदीन हो जाता है तो उसका वक्त ज़ाय होता रहता है। आजकल तो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वक्त मोबाइल के अंदर चला जाता है। अभी मैंने एक मुनव्वर जमा नाम के स्पीकर गुजरे हैं, अभी वो हैदराबाद के, उन्होंने भी बताया कि जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो मैं अपने तलबा को बताता हूँ, पूछता हूँ कि तुम्हारी जेब में, तुम्हारे पास कितनी जेब हैं, कितने पॉकेट हैं। तो कहते हैं हमारे पास चार पॉकेट हैं, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मैं कहता हूँ मेरे पास आठ पॉकेट हैं, शर्ट के अंदर इतने हैं और मेरे कोट के अंदर इतने हैं। लेकिन कहते हैं कि 30 दिन तक आप मेरे जेब में कभी मोबाइल नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ असर से मौलिक तो मोबाइल यूज करता हूँ बस। हालांकि वो इतने बिजी रहते हैं, इतने कॉल सुन के आते हैं, लेकिन मोबाइल को अपने आप, मोबाइल से अपने आप को इतना बचाते हैं। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने वक्त की हिफाजत करना पड़ेगी, अपनी सलाहियतों को बचाना पड़ेगा। और आजकल जो मोबाइल है उसमें तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि उससे आदमी का दीन भी बर्बाद होता है, दुनिया भी बर्बाद होती है। इसलिए मोबाइल से आजकल दो चीज़ों को आम किया जा रहा है, एक शहवात को और दूसरे शुबहात को। उसमें ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं कि आदमी की शहवत उभरती है, ख्वाहिश उभरती है और आदमी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, गुनाह के रास्ते पर चला जाता है। पहले आदमी को गुनाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ती थी। सिनेमा देखना हो तो आदमी को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, बुरी फिल्म देखना हो तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। अब सिनेमा देखने के लिए, बुरी फिल्म देखने के लिए आदमी को कहीं जाने की जरूरत, बंद कमरे के अंदर आदमी उसको देख सकता। इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि आदमी मोबाइल का यूज़ कभी भी बंद कमरे में न करे, तन्हाई में न करे। अगर मोबाइल के नुकसान से बचना है तो आदमी उसको तन्हाई में कभी इस्तेमाल न करे, बंद कमरे में इस्तेमाल न करे। घर में जब सब बैठे उस वक्त सही इस्तेमाल करने की कोशिश, और जहाँ गलत इस्तेमाल हो फौरन तौबा का एहतमाम करे, सलात तौबा पढ़े, अल्लाह के हुजूर उसका इस्तेमाल करे। ये मोबाइल है आदमी को बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है, और बनने के मुकाबले में बिगाड़ने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए कि अभी जो लोग 15 साल के हैं, समझो उनमें तो अक्ल आई नहीं, इसलिए अक्ल 15 साल के बाद आती है। जो आदमी 16 साल का है उसकी अक्ल 1 साल की है, बल्कि उसकी अक्ल बच्ची है। जो 17 साल का है उसकी अक्ल 2 साल की, जिस जो 20 साल का है उसकी अक्ल 5 साल की। आदमी जब 40 साल का होता है तो अक्ल बालिग हो जाता है, 25 साल पर अक्ल में बुलोग आता है। इसलिए अभी हमारे माँ बाप की बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कहते बेटा ऐसा करो, हमारी समझ में नहीं आता, बेटा ऐसा ना करो, हमारी समझ में नहीं आता। उसका नुकसान हमारे सामने नहीं, उस्ताद की बात शागिर्द की समझ में नहीं आती। क्योंकि उस्ताद 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, और शागिर्द 15 साल का है, 17 साल का है, तो उसकी समझ में नहीं आता। जैसे 2 साल का बच्चा हो तो आपको हाथ में लेने की कोशिश करता है, अंगारा पकड़ने की कोशिश करता है, छुरी लेने की कोशिश करता है। उस बच्चे को अगर समझाया जाए कि बेटा अंगारा है, तो उसकी समझ में नहीं आएगी। ये छुरी है, इससे आदमी का हाथ कट सकता है, उसकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए 2 साल का बच्चा है। ऐसे अभी हम 17 साल के हैं, हमारी अक्ल बहुत छोटी है, हमारी अक्ल बहुत नाकिस है। अभी वो बच्ची है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के नुकसान समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से कामयाब हों, तो अपने बड़ों की बात माने, बड़ों को खुश करने की कोशिश करें। हदीस शरीफ में आता है, रिजर रब फी रिजर वालिद व सखतुर रब फी सखतिर वालिद। अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी। अगर हमारे वालिदैन हमसे खुश हैं तो समझो अल्लाह हमसे खुश है, अगर हमारे वालिदैन नाराज़ हैं,
हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो समझो कि अल्लाह पाक हमसे नाराज है। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा जो हक है वो माँ बाप का है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम इबादत मत करो मगर उसी की और तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह पाक हमारे खालिक और मालिक है। अल्लाह पाक की ने सारी कायनात सजाई है, इसलिए सबसे बड़ा हक तो अल्लाह का है। इसलिए ईमान जरूरी है, इस्लाम जरूरी है, कुफ्र और शिर्क से बचना जरूरी है। इसलिए कि जितना एहसान अल्लाह तबारक व तआला का हम पर है किसी का नहीं। एक आदमी को उसका सेठ 8,000 रुपए देता है, 10,000 रुपए देता है, 20,000 देता है, तो कैसी ड्यूटी करता है? ना रात देखता है, ना दिन देखता है, सुबह से लेकर शाम तक उसमें लगा है, हालांकि वो उसको 10-20,000 रुपए दे रहा है। अब हम सोचे अल्लाह ने हमें क्या दिया है? अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मनी के गंदे कतरे से, इतना खूबसूरत जिस्म दिए और फिर हमें इतने कीमती आज़ा दिए। आँख कितनी कीमती, जबान कितनी कीमती, कान कितने कीमती, दिल दिमाग कितनी कीमती चीज़ें थी। फिर इस जिस्म को बाकी रखने के अल्लाह पाक ने सारा निज़ाम चलाया, सूरज पैदा किया, ज़मीन पैदा की और हमारे जिस्म को बाकी रखने के लिए सारी गज़ाएँ पैदा की। अगर ज़मीन गल्ला उगाना छोड़ दें हम क्या कर सकते? अगर हवा ख़त्म हो जाए हम क्या कर सकते? थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आदमी कितना परेशान होता है, अस्पताल में कितने खर्चे होते हैं। हम फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आ रही है। आदमी सोया होता है तब भी ऑक्सीजन आ रही है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन लेने के लिए आदमी को जागना पड़े। आदमी बात कर रहा है ऑक्सीजन आ रही है, आदमी खा रहा है ऑक्सीजन आ रही है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक में सारा निज़ाम चला, इसलिए सबसे बड़ा हक अल्लाह का, इसलिए ईमान सबसे ज़रूरी। इसलिए आदमी ये सोचे कि अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, जब भी आदमी कोई काम करे तो सोचे इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, उसके बाद आदमी कुछ सोच सकता है। तो आदमी को अल्लाह के हक को सबसे ज़्यादा अदा करने की कोशिश करना है। आज जो माहौल चल रहा है वो ईमान मुखालिफ माहौल चल रहा है, इस्लाम मुखालिफ माहौल चल रहा है। हदीस शरीफ में आता है एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन को अपने दीन पर अमल करना ऐसे होगा जैसा कि अंगारे को हाथ में लेना। अभी वो ज़माना नहीं आया लेकिन अब करीब करीब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने ईमान पर मजबूत होना, कुछ भी हो जाए हम ईमान का सौदा नहीं करें, कुछ भी हो जाए हम इस्लाम का सौदा नहीं करें। और अगर हम इस्लाम पर पुख्ता हो जाएं, अगर हम इस्लाम पर 100% आमिर हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। सहाबा किराम के पास कुछ नहीं था, वो दीन दुनिया के एतबार से खाली हाथ थे, उनके फाते पर फाते होते थे, उनके पास पूरे हथियार भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको कामयाब करके दिखाया, इसलिए तो दीन पर आमिल। तो आज जो हमारी सारी परेशानियां हैं वो दीन पर अमल न करने की वजह से। अगर हम दीन पर अमल करने वाले हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती। आज जो बिरादरान इस्लाम दीन से दूर है उसकी वजह भी हम हैं। अगर हम सही माना में दीनदार बन जाएं, अगर हम सही माना में दीन पर अमल करने वाले हो जाएं, तो हमारे अखलाक को देखकर, हमारे आदात को देखकर लोग मुसलमान हो जाएं। मकूला मशहूर है, फारसी का मकूला है जिसका तर्जमा है कि इस्लाम किताबों में है और मुसलमान कब्रों में। इस्लाम किताबों में है और मुसलमान कब्रों में, अब जो नजर आ रहे हैं वो मुसलमान नहीं। इसलिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम को सीखना चाहते हैं, हमारे अखलाक को देखकर लोग समझते हैं इस्लामी अखलाक ये हैं, हमारी आदात को देखकर, हमारे मामलात को देखकर, हमारे बिहेव को देखकर लोग समझते हैं ये इस्लामी अखलाक, ये इस्लाम की तालीम है। इसलिए हमें इस्लाम पर मजबूत होने की ज़रूरत है, इस्लामी अखलाक से आरास्ता होने की ज़रूरत है, इस्लामी आदात से अपने आप को आरास्ता करने की ज़रूरत है। जिस कदर हम इस्लाम पर पुख्ता होंगे हमारा भी फायदा होगा और दूसरों का भी फायदा होगा, दूसरे लोग हमारी तरफ राजी होंगे। कहते हैं कि चीन में सहाबा किराम ताजिर बनकर गए थे, सहाबा किराम वहाँ मुजाहिद बनकर नहीं गए थे, तलवार लेकर नहीं गए, तिजारत के लिए गए थे, लेकिन उनकी तिजारत को देखकर, उनके अखलाक को देखकर पूरा चीन मुसलमान हो गया, चीन के कितने लोग मुसलमान हो। तो चीन में जो इस्लाम फैला है वो तो मुसलमानों के अखलाक से,
मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह हिंदुस्तान में आए थे, उनके पास क्या थी? उनके पास कोई तलवार नहीं थी। उनके अखलाक को देखकर, उनकी तालीमात को देखकर 90 लाख लोग मुसलमान हैं। कितने बड़े दीन का काम किया उन्होंने। एक अंग्रेज ऑथर लिख रहा है कि 90 लाख लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके। अखलाक ऐसी चीज है, हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने आदात को दुरुस्त करें, हम अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करें, हम अपने रिश्तेदारों को खुश रखने की कोशिश करें, अपने असातिज़ा का अदब करें। हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं चाहे वो गैर मुस्लिम, हम उनका अदब करें। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं, जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया तो मेरा आका है। मन अल्लमनी हर्फन वो सय्यदी, जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया तो मेरा आका है, वो मेरा मालिक है, वो चाहे तो मुझे बेच दे, वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर। ये इस्लामी तालीमात है, हम अपने असातिज़ा का अदब करें, अपने टीचर का अदब करें, अपने साथियों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक होता है, और पड़ोसी दो किस्म के हैं, एक तो घर का पड़ोसी है और एक मजलिस का पड़ोसी। आपके साथ जो लड़का बैठा हुआ है वो आपका पड़ोसी है, बस में आपके साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो आपका पड़ोसी है, रेल में आपके साथ बैठा हुआ आपका पड़ोसी, उसका भी हक है। आप इस तरह बैठेंगे उसको तकलीफ ना हो। तो इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ों के हकूक बयान किए। अभी जो हमारे चचा ने किस्सा बयान किया कि एक मुसलमान लड़के की निगाह झुकाने की आदत को देखकर एक लड़की मुसलमान हो गई और उसके हाथ पर 800 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये इस्लामी तालीम की बरकत है। ऐसे तो कितने किस्से हमारे सामने आएंगे, आप देखें कैसे कैसे लोग मुसलमान हो रहे हैं। इस्लाम की एक एक आदत को देखकर, इस्लाम की एक एक तालीम को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद इस्लाम को पढ़ें, इस्लामी तालीमात सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जिस कदर हम इस्लाम से मरबूत होंगे, दीन से मरबूत और मुतालिक होंगे, दीन से अपना ताल्लुक रखेंगे, उसी कदर हम दुनिया के एतबार से भी कामयाब होंगे और आखिरत के एतबार से भी कामयाब होंगे। जो आदमी दीन पर अमल करता है अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है, और जो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है, अल्लाह की गैबी नुसरत उसके साथ हो जाती है, अल्लाह की गैबी मदद उसके साथ हो जाती है। हम जिस फील्ड के भी हों, हम जिस शोबे के अंदर भी इल्म हासिल कर रहे हों, अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हों तो हम दीनदार बनने की कोशिश करें, नेक बनने की कोशिश करें, अल्लाह से और उसके रसूल से अपना ताल्लुक मजबूत करें। जिस कदर हम दीन से करीब होंगे, इस्लाम से करीब होंगे, उसी कदर हम दुनिया के एतबार से भी तरक्की करेंगे और दीन के एतबार से भी तरक्की करेंगे। और मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि इस तरह की मजलिस हर कुछ दिन के अंदर हो, हर हफ्ते हो, हर 15 दिन के अंदर हो। इसलिए कि दीन की बात सुनने से, दीन की बात कहने से आदमी को फायदा हो। वज़र दिक्रा तनफाउल मोमिनीन, ए रसूल, ए नबी, आप नसीहत कीजिए, इसलिए नसीहत से ईमान वालों को नफा होता है। जब आदमी बात सुनता है तो दिल के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता है, आदमी को अपनी कमी कोताही का एहसास होता है। इसलिए मैं जो हमारे मुंतज़िमीन हैं, टीचर्स हजरात हैं, उनसे मैं कहूँगा तो इस तरह की मजलिस बार बार करें। पहले जब हम छोटे थे तो उस वक्त मस्जिद के अंदर स्टूडेंट्स का जोड़ हुआ करता था इतवार, अब वो जोड़ नहीं हो रहा है। इस तरह का एक जोड़ यहाँ पर हुआ करे, जिसमें कभी किताबी तालीम हो जाया करे, कभी किसी आलिम का बयान हो जाया करे, और कभी कभी हमारे जो ये अंग्रेजी तालीम याफ्ता हजरात हैं, जैसे मास्टर नज़ीर साहब हैं, डॉक्टर बिलाल वगैरह हैं, वो आया करें और इस तरीके से बयान किया करें। तो उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, डायरेक्शन मिलेगा, इसलिए कहने सुनने से फ़ायदा होता। अभी आप लोग सब ना तजर्बाकार हैं, अभी आप लोग छोटे हैं कि हमारे बड़े आपकी रहनुमाई कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके आने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इन सब बातों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन हजरात ने ये इंतज़ाम किया है, जो मेहनत चलाई है, अल्लाह पाक उनको खूब जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक साले मुसलमान बनाए और हम सबको दीन के एतबार से भी कामयाब फरमाए और दुनिया के एतबार से भी कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और उन्होंने हमसे जो उम्मीदें वाबस्ता की है, अल्लाह पाक उन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वास्तव में आवाज़ अलहमदिल्ला।